हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द गीक मॉन्ग। द गीक मॉन्ग चैनल में आपका स्वागत है। द गीक मॉन्ग के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगस्त महीने के बेस्ट 200 क्वेश्चंस का भाग दो। हम अपनी पहली वीडियो अगस्त महीने के बेस्ट 200 क्वेश्चंस का भाग एक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं, जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। किस भारतीय व्यक्तित्व को संयुक्त अरब अमीरात के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। यह पुरस्कार दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती और संयुक्त रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका की सराहना करता है। जायद पदक राजाओं, राष्ट्रपतियों और राज्यों के प्रमुखों को सम्मानित किया जाने वाला सर्वोच्च पदक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत का पहला केंद्रीय रसायन इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान CICET किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है? इसका उत्तर है गुजरात। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में घोषणा की है कि रसायन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गुजरात में भारत का पहला केंद्रीय रसायन इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान CICET स्थापित किया जाएगा। CICET या तो अहमदाबाद या सूरत में आएगी। प्रस्तावित संस्थान अनुसंधान और नवाचारों के साथ रसायन उद्योग की मदद करेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तमिलनाडु सरकार के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है कैलाश वादिवु सिवान। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि कैलाश वादिवु सिवान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संवर्धन में अपने स्टेलर वर्क की मान्यता से सम्मानित किए गए हैं। उन्हें लोकप्रिय रूप से रॉकेट मैन के रूप में जाना जाता है। उन्होंने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और लिक्विड प्रपल्शन सेंटर के निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। वह सितारा एक 6D प्रक्षेपण सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के मुख्य वास्तुकार भी रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस IIT शोधकर्ताओं ने एक्सशेल से हड्डी विकल्प विकसित किया है? इसका उत्तर है IIT हैदराबाद। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि IIT हैदराबाद और जलंधर के BR अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT के शोधकर्ताओं ने एक प्रक्रिया विकसित की है जिसके द्वारा हड्डी प्रत्यारोपण सामग्री अपशिष्ट अंडे के गोल से संश्लेषित किया जा सकता है। वह इस तरह के रूप में हड्डी स्थानापन सामग्री का उत्पादन करेगी, वो भी ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट विषाक्त रसायनों के उपयोग के बिना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 18 साल बाद विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? इसका उत्तर है दीपक पुनिया। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि एस्तोनिया के तालिन में रूस के अलिक शेप जोखोव को हराकर विश्व जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में पहलवान दीपक पुनिया ने पुरुषों की 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही पुनिया 18 साल बाद जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इससे पहले रमेश गुलिया 69 किलोग्राम और पलविंदर सिंह चीमा 130 किलोग्राम ने 2001 में जूनियर सर्किट में अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन 2019 में किस राज्य को पुरस्कार मिला है? इसका उत्तर है राजस्थान। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि राजस्थान ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन 2019 में उच्च शिक्षा में अपनी उपलब्धियों के लिए सबसे अच्छा नवाचार और पहल नेतृत्व पुरस्कार जीता है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने 14वें शिखर सम्मेलन में यह पुरस्कार प्राप्त किया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। VB चंद्रशेखर का हाल ही में निधन हो गया था, वे किस खेल से जुड़े थे? इसका उत्तर है क्रिकेट। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि भारत और तमिलनाडु के पूर्व क्रिकेटर VB चंद्रशेखर, उन्होंने 7 वनडे मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया जिनमें उन्होंने 53 रन की पारी खेली। पहली श्रेणी में 81 मैचों में चंद्रशेखर ने 4,999 रन बनाए। अपने शानदार क्रिकेट कैरियर के बाद जहां वे 1988 में रणजी ट्रॉफी में जीतने वाले तमिलनाडु की अंतिम टीम का हिस्सा थे, बाद में उन्होंने राज्य टीम का नेतृत्व किया और फिर कुछ समय के लिए गोवा के लिए खेला। VB चंद्रशेखर ने कोचिंग और कमेंट्री पर ध्यान केंद्रित किया। उल्लेखनीय है कि वे पहले 3 वर्षों में चेन्नई सुपर किंग्स के क्रिकेट प्रबंधक थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस पूर्व भारतीय एथलीट को एशियाई एथलेटिक्स संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है PT उषा। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि महान भारतीय एथलीट और ओलंपियन PT उषा एथलीट आयोग के 6 सदस्यों में से एक होंगी। आयोग की अध्यक्षता 1992 के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता उज्बेकिस्तान के आंद्रे अब्दू वेलीयेव करेंगे। PT उषा 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं, जहां वो 400 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में 1/100 सेकंड से कांस्य पदक से चूक गई।
पायोली एक्सप्रेस को 1983 में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में उषा को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन IAAF के वनोवृद्ध पिन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत का पहला निजी अंतरिक्ष विज्ञान संग्रहालय किस शहर में खोला जा रहा है? इसका उत्तर है हैदराबाद। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि बिरला पुरातत्व और सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान बाकरी की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में भारत का पहला निजी अंतरिक्ष विज्ञान संग्रहालय हैदराबाद में खोला गया है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और BM बिरला विज्ञान केंद्र के बीच एक संयोगात्मक प्रयास है। इसरो अपनी ओर से विभिन्न अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों और अलग अलग आकार के रॉकेटों के लगभग 65 मॉडल उपलब्ध करा रहा है। इस संग्रहालय में भारतीय लॉन्च वाहनों JSLV Mark 3, JSLV Mark 2 और PSLV चंद्रयान 1, मंगलयान, अंतरिक्षयान एप्पल, आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, RS-1 और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS का एक मॉडल प्रदर्शित किया गया है। वर्तमान में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पता लगाने के लिए युवा दिमाग को प्रोत्साहित करने के लिए 24 प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ने वाले अद्वैत भरतिया किस शहर से हैं? इसका उत्तर है पुणे। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि पुणे के 9 साल के बच्चे अद्वैत भरतिया ने हाल ही में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई की है। अद्वैत प्यार से सिम्बम टोटो, छोटे सिम्बा के नाम से जाने जाते हैं। वह अपने अभियान के नेता समीर पथम की देखरेख में 31 जुलाई 2019 को पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। यात्रा का आयोजन पुणे स्थित साहसिक और ट्रैकिंग कंपनी एडवेंचर पल्स द्वारा किया गया था। तंजानिया में माउंट किलिमंजारो अपने बेस से लगभग 4,900 मीटर और समुद्र तल से 5,895 मीटर ऊपर है। पहाड़ अपने सिकुड़ते ग्लेशियरों और गायब बर्फ के एरिया की वजह से कई वैज्ञानिक अध्ययनों का विषय रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कश्मीर की अनकही कहानी डी क्लासिफाइड पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर है इकबाल चंद मल्होत्रा। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि फिल्मकार इकबाल चंद मल्होत्रा और रक्षा विश्लेषक मरोफ राजा ने लिखी किताब कश्मीर की अनकही कहानी डी क्लासिफाइड है। यह महाराजा गुलाब सिंह के नेतृत्व में अपनी राजनीतिक और भौगोलिक समेकन के समय से लेकर वर्तमान समय तक जम्मू कश्मीर के इतिहास की कहानी सुनाएगा। इसमें इस बात पर भी प्रकाश डाला जाएगा कि विशेष दर्जा पहुंच संधि का अभिन्न अंग क्यों था। पुस्तक जगत में भारत सरकार की नीति के बारे में 1889 से ही आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि प्रकट की गई है, जब उन्होंने पहली बार केंद्रीय शासन लागू किया था और आज तक तत्कालीन महाराजा के शासन को समाप्त कर दिया था। इससे घाटी की स्थिति के बारे में पूछे जाने वाले सबसे अधिक सवालों के जवाब भी मिलेंगे, जैसे भारत के विभाजन के बाद से कश्मीर घाटी में घेराबंदी की यह स्थिति 72 वर्षों तक क्यों जारी रही, इन सभी वर्षों में पाकिस्तान ने क्या भूमिका निभाई, और इस समय का सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या राज्य में आतंकवाद का कभी समाधान होगा। अब पूर्व राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 SS 2020 का 5वां संस्करण शुरू किया है? इसका उत्तर है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि नई दिल्ली में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA ने वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 SS 2020 का 5वां संस्करण शुरू किया है, जिसका विषय है स्वच्छता हमारा अधिकार है। यह सर्वेक्षण जनवरी 2020 में किया जाएगा। इस अवसर पर MOHUA ने अपशिष्ट संग्रह, वेस्ट कलेक्शन, ठोस गीला या निर्माण और विध्वंस CND, जिसे कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन के नाम से भी जाना जाता है, के लिए स्वच्छ नगर ऐप भी लॉन्च किया। मंत्रालय ने वाटर प्लस प्रोटोकॉल भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य शहरों और कस्बों के लिए एक दिशा निर्देशक प्रदान करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्यावरण में कोई अशोषित अपशिष्ट जल जारी ना किया जाए, जिससे स्वच्छता मूल्य श्रृंखला की स्थिरता को हो सके। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत की पहली राष्ट्रीय आवश्यक निदान सूची NEDL ने किस संगठन द्वारा अंतिम रूप दिया है? इसका उत्तर है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने हाल ही में भारत की पहली राष्ट्रीय अनिवार्य निदान सूची NEDL को अंतिम रूप दिया है, जिसमें सिफारिश की गई है कि बुनियादी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में भी रोगियों के लिए कम से कम 159 प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इस सूची का उद्देश्य वर्तमान नियामक प्रणाली के करंट रेगुलेटरी सिस्टम के गैप को ब्रिज करना है, जो सभी चिकित्सा उपकरणों और इन विट्रो डायग्नोस्टिक डिवाइस को कवर नहीं करता है। इसके साथ ही भारत ऐसी सूची तैयार करने वाला पहला देश बन गया है, जो गांव और दूरदराज के क्षेत्रों में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता वाले नैदैनिक प्रशिक्षणों के बारे में निर्णय लेने के लिए सरकार को मार्गदर्शन प्रदान करेगा। यह सूची गांव से लेकर जिला स्तर तक की सुविधाओं के लिए है। इस सूची में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, जिसे HWC के नाम से भी जाना जाता है, जैसे नए कार्यक्रमों के लिए प्रासंगिक प्रशिक्षण भी शामिल है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दामोदर गणेश बापट का निधन अभी हुआ है, आपको बताना है कि वो किस क्षेत्र के विख्यात व्यक्तित्व थे? इसका उत्तर है सोशल वर्क, सामाजिक कार्य।
आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री पुरस्कार विजेता दामोदर गणेश बापट, जो कि 84 वर्ष के थे, का 17 अगस्त 2019 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में निधन हो गया। उन्होंने पिछले 4.5 दशकों से राज्य के जांजगीर चांपा जिले के सोठी गांव में भारतीय किसान संघ द्वारा चलाए जा रहे आश्रम में कुष्ठ रोगियों के उपचार और सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में कुष्ठ रोग के बारे में लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस देश की टीम ने 2019 T20 शारीरिक विकलांगता क्रिकेट विश्व सीरीज जीती है? इसका उत्तर है इंडिया, भारत। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड में T20 शारीरिक विकलांगता विश्व क्रिकेट श्रृंखला जीत ली है। फाइनल में भारत ने वॉरसेस्टर के ब्लैकफिंच न्यू रोड मैदान पर इंग्लैंड को 36 रन से हरा दिया। भारतीय टीम ने अखिल भारतीय क्रिकेट संघ में सक्रिय भूमिका निभाने वाले पूर्व भारतीय कप्तान अजीत वाडेकर की याद में खुद को वाडेकर वॉरियर्स कहा। अखिल भारतीय क्रिकेट संघ ने इस आयोजन के लिए चयन और तैयारी का आयोजन किया। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड द्वारा 6 देश टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस तारीख को 2019 विश्व फोटोग्राफी दिवस हाल ही में मनाया गया था? इसका उत्तर है 19 अगस्त। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। दुनिया भर में फोटोग्राफी को प्रेरित करने के लिए एक साधारण विचार के साथ एक तस्वीर साझा करने के लिए मनाया जाता है। 19 अगस्त की तारीख डेगेरियोटाइप एक फोटो 1837 में फ्रांसीसी लोगो लुई डेगेर और यूसुफ निसेफोर निसेपसे द्वारा विकसित की प्रक्रिया के आविष्कार की स्मृति में चुना गया था। 9 जनवरी 1839 को फ्रेंच विज्ञान अकेडमी डेगेरियोटाइप प्रक्रिया की घोषणा की। उसके बाद 19 अगस्त 1839 को फ्रांसीसी सरकार पेटेंट खरीदा थी और एक उपहार के रूप में आविष्कार की घोषणा की थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सुप्रा योजना जो हाल ही में समाचार में है, किस क्षेत्र से जुड़ी है? इसका उत्तर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीकी। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने वैश्विक प्रभाव के साथ नई वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग सफलताओं के अन्वेषण के वित्त पोषण के एकमात्र उद्देश्य के साथ सुप्रा नामक एक नई योजना का प्रस्ताव किया है। यह पहल प्रधानमंत्री मोदी के 100 दिन के प्रवर्तनकारी विचारों का हिस्सा है। सुप्रा योजना को उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान प्रस्तावों को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें नई परिकल्पनाएं शामिल हैं या मौजूदा लोगों को चुनौती देते हैं और अकाउंट ऑफ बॉक्स समाधान प्रदान करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विशेष प्रयोजन ट्रस्ट फंड किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़ा हुआ है? इसका उत्तर है यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में विशेष प्रयोजन ट्रस्ट फंड, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक प्रभावी और पारदर्शी तरीके से नई आर्थिक प्रणाली के सभी योगदानों और वित्तीय लेन देनों के लिए प्राप्त समेकित प्रबंधन और खाते में स्थापित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 2019 विश्व मानवतावादी दिवस का अभियान क्या है? इसका उत्तर है व्यूमन ह्यूमैनिटेरियंस, महिलाओं मानवतावादी। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि यह दिवस प्रतिवर्ष मानवीय सहायता कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ दुनिया भर में संकट से प्रभावित लोगों के लिए समर्थन रैली करने के लिए मनाया जाता है। विश्व मानवतावादी दिवस 2019 का विषय है महिला मानवतावादी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध हजरतगंज चौराहा, जिसका नाम अटल चौक रखा गया है, वह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है लखनऊ। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में लखनऊ के प्रसिद्ध हजरतगंज चौराहा का नाम अटल चौक रखा गया है। यह घोषणा पूर्व प्रधानमंत्री हजरतगंज शहर के बीचों बीच स्थित एक प्रमुख विक्टोरियन शैली के शॉपिंग क्षेत्र की पहली पुण्यतिथि पर की गई है। इसमें शोरूम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, होटल, थिएटर, कार्यालय और व्यवसाय है। हजरतगंज की दुकानें लखनऊ चिकन की प्रसिद्ध सामग्री बेचती हैं। हजरतगंज का हिस्सा नाजा मार्केट राज्य में कंप्यूटर आईटी सामान के लिए सबसे बड़ा बाजार है और दिल्ली के नेहरू प्लेस के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। नाजा बाजार भी पूरे एशिया में सबसे बड़ा चोर बाजार है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में निकोटिन को कक्षा ए जहर के रूप में वर्गीकृत किया है? इसका उत्तर है कर्नाटक। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि कर्नाटक ने निकोटिन को कक्षा ए जहर के रूप में अधिसूचित करके जहर पोषण एंड सेल नियम 2015 में संशोधन किया है। इस कदम का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध को मजबूत करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान NIHWF का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर है नई दिल्ली। ये नई दिल्ली में बाबा गंगनाथ मार्ग मुनिरका में स्थित है।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण गैर सरकारी संगठन ग्रीन पीस की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक है? इसका उत्तर है इंडिया, भारत। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि पर्यावरण गैर सरकारी संगठन ग्रीन पीस द्वारा जारी राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार भारत के पास OMI ओजोन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट उपग्रह द्वारा पाए गए विश्व के सभी मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के आकर्षण के 15% से ज्यादा केंद्र हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने प्रतिष्ठित JC बॉस फेलोशिप जीती है? इसका उत्तर है के थंगराज। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि डॉक्टर थंगराज जो कि सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के मुख्य वैज्ञानिक हैं को प्रतिष्ठित JC बॉस फेलोशिप से नवाजा गया। JC बॉस फेलोशिप विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन की मान्यता में सक्रिय वैज्ञानिकों को प्रदान की जाती है। उनके कुछ प्रमुख कार्यों में भारतीय जनसंख्या की उत्पत्ति का पता लगाना शामिल है। किस प्रकार मनुष्य भारत के विभिन्न प्रकरणों और आबादी वाले विभिन्न भागों के दौरान अफ्रीका से चले गए? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव किस क्षेत्र में शुरू हो गया है? इसका उत्तर है लद्दाख। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि 9 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय और जनजातीय सहकारी विपणन विकास फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड की एक संयुक्त पहल है। 17 अगस्त 2019 को लेह लद्दाख के पोलो ग्राउंड में जनजातीय शिल्प संस्कृति और वाणिज्य की भावना का उत्सव विषय के साथ शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में देश के 20 से अधिक राज्यों के लगभग 160 जनजातीय कारीगर को सक्रिय रूप से भाग लेने और उनकी कृतियों का प्रदर्शन करने के लिए देखा जाएगा। महोत्सव में देश की पारंपरिक कला और हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया जाएगा। उत्पाद रेंज में राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल से जनजातीय वस्त्र शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर से आदिवासी आभूषण, मध्य प्रदेश से गोंड कला, महाराष्ट्र से वर्ली कला, छत्तीसगढ़ से धातु शिल्प, मणिपुर से काली मिट्टी के बर्तन और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और कर्नाटका से जैविक उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य सरकार ने मजदूरों के बच्चों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी आवासीय विद्यालय स्थापित करने का फैसला किया है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के सभी 18 डिवीजनों में मजदूरों के बच्चों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी आवासीय स्कूल स्थापित करने का फैसला किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में राज्य में कई परियोजनाओं की घोषणा की, जिसमें आगरा में पूर्व प्रधानमंत्री के पैतृक गांव बटेश्वर में एक स्मारक भी शामिल है। कानपुर के DAV कॉलेज में शिक्षा के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित किया जाएगा, जहां से अटल जी ने अपनी शिक्षा पूरी करी थी। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने यह भी घोषणा की है कि लखनऊ में एक चिकित्सालय विश्वविद्यालय स्थापित करने का काम चल रहा है और बलरामपुर में KGMU का एक उपग्रह केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जहाँ से वाजपेयी ने 1957 में चुनाव लड़ा था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चेक गणराज्य में 2019 एथलेटिक मिंटेक रीटर स्पर्धा में किस भारतीय धावक ने पुरुषों की 300 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? इसका उत्तर है मोहम्मद अनस। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि शीर्ष भारतीय धावक हिमा दास और मोहम्मद अनस ने चेक गणराज्य में एथलेटिक मिंटेक रीटर स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों की 300 मीटर दौड़ में क्रमशः स्वर्ण पदक जीता। यह 2 जुलाई के बाद से यूरोपीय दौड़ में हिमा का 6वां स्वर्ण पदक था। उनकी पहली जीत 20 जुलाई को हुई थी, जब उन्होंने चेक गणराज्य के नोवे मेस्टो में 400 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस तारीख को भारत में सांप्रदायिक सद्भाव दिवस मनाया जाता है? इसका उत्तर है 20 अगस्त को। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 20 अगस्त को सांप्रदायिक सद्भाव दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी की 75वीं जयंती के अवसर पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के साथ 20 अगस्त 2019 को राजीव गांधी की स्मृतियां और अभिलेखागार शीर्षक से एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। NCPCR और किस IIT ने यौन उत्पीड़न जागरूकता फैलाने के लिए एक किट विकसित की है? इसका उत्तर है IIT कानपुर। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि IIT कानपुर के सहयोग से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने बच्चों को व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में सिखाने के लिए इंटरेक्टिव साधनों का उपयोग करके बच्चों में यौन उत्पीड़न जागरूकता फैलाने के लिए एक किट विकसित की है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। 25वीं वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित की जा रही है? इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि यह टूर्नामेंट पूर्वी जियांग जिले के पसीघाट में आयोजित किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने वाली देश भर से कुल 30 टीमें भाग लेंगी। राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और विधानसभा अध्यक्ष PD सोना चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मोहम्मद जहूर हाशमी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तित्व थे?
इसका उत्तर है फिल्म उद्योग, फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते थे वो। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि प्रख्यात संगीतकार मोहम्मद जहूर हाशमी का 19 अगस्त को निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। लंबी बीमारियों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। वे प्रसिद्ध खयाम के रूप में जाने जाते थे। उन्हें कभी और उमराव जान जैसी क्लासिक फिल्मों में अपने संगीत के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 17 साल की उम्र में अपने संगीत से कर दी थी। मोहम्मद जहूर हाशमी की अन्य उल्लेखनीय कृतियों में त्रिशूल, नूरी, शोला और शबनम जैसी फिल्में शामिल हैं। मोहम्मद जहूर हाशमी को संगीत साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने अभिनेत्री मीना कुमारी के एल्बम आई राइट आई रिसाइट के लिए भी संगीत की रचना की थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य सरकार ने एक नई पहल 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पार युद्ध शुरू करने का फैसला किया है? इसका उत्तर है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने लॉन्च किए 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू समयुद्ध अभियान। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल डेंगू और चिकनगुनिया के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से अभियान शुरू किया। इस पहल का नाम 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पार युद्ध है। इस अभियान के तहत दिल्ली सरकार ने समस्त निवासियों से अनुरोध किया है कि वे हर रविवार को अपने शेड्यूल से 10 मिनट निकालेंगे और अपने घरों से संभावित मच्छर प्रजनन स्पॉट स्पष्ट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रत्यक्ष कर संहिता पर कार्यबल का प्रमुख कौन है जिसने हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की है? इसका उत्तर है अखिलेश रंजन। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि टास्क फोर्स को 31 मई तक अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 2 महीने का समय दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12वां भारत सुरक्षा शिखर सम्मेलन ISS हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका उत्तर है नई दिल्ली। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सम्मेलन एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम द्वारा आयोजित किया गया था और आधिकारिक तौर पर केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा समर्थित था। शिखर सम्मेलन के इस संस्करण का विषय था टूवर्ड्स न्यू नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। इस सम्मेलन के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री कृष्ण रेड्डी जी ने घोषणा की कि सरकार ने साइबर खतरों से निपटने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। शाहीन 8वीं पाकिस्तान और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? इसका उत्तर है चाइना। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान और चीन संयुक्त द्विपक्षीय हवाई अभ्यास शाहीन 8वीं, जिसे ईगल 8वीं के नाम से भी जाना जाता है। चीन और पाकिस्तान की वायुसेना इस समय लद्दाख के निकट भारतीय सीमा के निकट होल्टन शहर में संयुक्त सैन्य अभ्यास में लगी हुई है। इस्लामाबाद अपने JF-17 लड़ाकू विमानों के साथ भाग ले रहा है, जबकि चीन अपने J-10 और J-11 लड़ाकू विमानों के साथ भाग ले रहा है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स PLAAF और पाकिस्तान वायुसेना PAF ने मार्च 2011 से नियमित अभ्यास किया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत की पहली महिला उड़ान कमांडर कौन बन गई हैं? इसका उत्तर है शलीजा धामी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय वायुसेना IAF में विंग कमांडर के रूप में कायर रहे शलीजा धामी देश की पहली महिला फाइटर कमांडर बनी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के हिंडन हवाई अड्डे पर चेतक हेलीकॉप्टर इकाई का कार्यभार संभाला। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अनसुपा झील कभी कभी खबर में दिखी, ये किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है ओडिशा। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ओडिशा वेटलैंड अथॉरिटी ने हाल ही में चिल्का, भारत का सबसे बड़ा खारा पानी लैगून, और अनुसूपा, राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील के लिए एक एकीकृत प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। चिल्का और अनुसूपा की योजना पर 180 करोड़ रुपए खर्च होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु प्रशिक्षण दिवस मनाया जाता है? इसका उत्तर है 29 अगस्त। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि परमाणु हथियार प्रशिक्षण विस्फोट या किसी अन्य परमाणु विस्फोट के प्रभाव और लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में उनकी समाप्ति की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 29 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु प्रशिक्षण दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इलावेनिल वलारीवन किस खेल से जुड़े हैं? इसका उत्तर है शूटिंग। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इलावेनिल वलारीवन कुडालोर तमिलनाडु से एक खेल शूटर हैं। इलावेनिल ने 2018 ISSF जूनियर विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया और एक स्वर्ण पदक जीता और 2019 में विश्वविद्यालय खेलों में रजत पदक जीता, जिसके बाद उन्होंने सुलह, जो कि जर्मनी का एक शहर है, वहां आयोजित विश्व जूनियर विश्व कप 2019 में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने रियो दे जेनेरियो में पहली बार ISSF 10 मीटर एयर राइफल विश्व कप में 251.7 स्कोर करके 28 अगस्त 2019 को पदक जीता है।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए स्कूल फगडाबा शुरू किया है? इसका उत्तर है मणिपुर। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने राज्य में सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए स्कूल फगडाबा शिक्षा बेटर बनाओ नामक एक योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य बेहतर बुनियादी ढांचे, गुणवत्ता शिक्षा और सरकारी स्कूलों में समग्र सुधार सुनिश्चित करना है ताकि उन्हें मॉडल स्कूल बनाया जा सके। योजना के पहले चरण में राज्य के 60 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में से एक स्कूल का चयन किया गया है। स्कूल फगडाबा के समग्र उद्देश्य शारीरिक और जनशक्ति अंतराल के मामले में सरकारी स्कूलों में सुधार करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस केंद्रीय मंत्रालय ने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NDLI शुरू की है? इसका उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD ने अपने राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से आभासी ढांचा विकसित करने के लिए भारत के राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय NDLI परियोजना शुरू की है। एकल खिड़की खोज सुविधा के साथ सीखने के संसाधनों का भंडार तैयार किया गया है। अब तक राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक डिजिटल संसाधन उपलब्ध हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मानसी जोशी, जिन्होंने 2019 BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, वे किस शहर से हैं? इसका उत्तर है राजकोट। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि मानसी जोशी ने महिला सिंगल में पारुल परमेर को 21-12, 21-7 से हराकर पहला स्वर्ण पदक जीता। जोशी को इस साल 3 बार परमर का सामना करना पड़ा था और हर बार वे हार गई थी, फिर भी इस बार वे विजयी हो गई। इससे एक दिन पहले ही BWF विश्व चैंपियनशिप में PV सिंधु ने स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने नोजोमी ओकुहारा को सिर्फ 38 मिनट में 21-7, 21-7 से हराया और टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बनी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी में आधुनिक नर्सरी शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। आपकी जानकारी के लिए हम बता देगी मध्य प्रदेश सरकार ने निजी नर्सरी स्कूलों की तर्ज पर आंगनवाड़ी में आधुनिक नर्सरी शिक्षा देने का फैसला किया है। इस योजना के तहत राज्य के सभी 57,000 आंगनवाड़ी को कवर किया जाएगा। पहले चरण में 28 अगस्त से राज्य भर के 313 प्रशासनिक ब्लॉकों में प्रत्येक आंगनवाड़ी में एक नर्सरी स्कूल खोला गया है। बच्चों को नियमित स्कूल में प्रवेश प्राप्त करने के समय तक उनकी नींव को मजबूत करने के लिए खेल द्वारा सीखने विधि के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाएगी। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। दलों के UNCCD सम्मेलन COP14 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? इसका उत्तर है इंडिया, भारत। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि डेजर्टिफिकेशन UNCCD से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन COP का 14वां सत्र 2 से 13 सितंबर 2019 से नई दिल्ली में होने वाला है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पर्दे पर संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस शिखर सम्मेलन में लगभग 200 देश और 3,000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस देश ने सार्क विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है? इसका उत्तर है नेपाल। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि नेपाल सितंबर 2019 में 74वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के सत्र के दौरान सार्क विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक आयोजित करने की योजना बना रहा है। 8वां सार्क शिखर सम्मेलन 2014 में काठमांडू में आयोजित किया गया था और पाकिस्तान को 2016 में अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करनी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के उरी में एक सैन्य अड्डे पर हुए आतंकी हमले के मद्देनजर भारत ने बैठक का बहिष्कार करने के बाद शिखर सम्मेलन रद्द कर दिया था। बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान जैसे अन्य देश भी पाकिस्तान पर राजनयिक दबाव बढ़ाने के लिए शिखर सम्मेलन से बाहर निकलने के भारत के फैसले के बाद बाहर चले गए। भारत ने यह भी घोषणा की कि वह तभी भाग लेगा जब पाकिस्तान टेररिज्म से निपटने के लिए कदम उठाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय एवियन इकोटॉक्सिलॉजी केंद्र किस शहर में स्थापित हुआ है? इसका उत्तर है कोयम्बटोर। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने तमिलनाडु के कोयम्बटोर में सलीम अली केंद्र फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल साइंसेज सैकॉन में राष्ट्रीय एवियन इकोटॉक्सिलॉजी केंद्र का उद्घाटन किया है। केंद्र का उद्देश्य पक्षियों की अलग अलग प्रजातियों पर रासायनिक कॉन्टेमिनेट्स के प्रभाव का पता लगाना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 2019 विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की जा रही है? इसका उत्तर है मुंबई।
आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि पहली बार भारत प्रतिष्ठित विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है, जो 1 से 13 अक्टूबर तक मुंबई में आयोजित की जाएगी। अंडर 14, अंडर 16 और U18 श्रेणियों में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा देखने पर होगी। यह टूर्नामेंट का आयोजन अखिल भारतीय शतरंज संघ द्वारा किया जा रहा है। 62 देशों के खिलाड़ियों ने रूस, अमरीका, फ्रांस, इटली और अजरबैजान सहित अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया द्वारा वर्ष 2019 के लिए प्रख्यात इंजीनियर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इसका उत्तर है प्रभाकर सिंह। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि प्रभाकर सिंह केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के महानिदेशक DG को इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट और अनुकरणीय सेवा के लिए इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया द्वारा वर्ष 2019 के लिए उत्कृष्ट इंजीनियर पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह अभिजात वर्ग और प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें 15 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में इंजीनियर्स डे पर प्रदान किया जाएगा। प्रभाकर सिंह देश के एक मुख्य बिजनेस इंस्टीट्यूट से IIT ग्रेजुएट और MBA हैं। एक प्रख्यात टेक्नोक्रेट के रूप में राष्ट्र के लिए उनके विशाल योगदान और समर्पित सेवा ने केंद्र सरकार के प्रीमियर इंजीनियरिंग संगठन CPWD को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT इंडिया कांग्रेस 2019 का चौथा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? इसका उत्तर है बेंगलुरु। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT इंडिया कांग्रेस 2019 का चौथा संस्करण 22 और 23 अगस्त 2019 को बेंगलुरु में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में डिजिटल प्रौद्योगिकी के नेता IoT को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए व्यापार के अवसरों पर चर्चा और पता लगाने के लिए एकाग्र हुए। इसमें स्वास्थ्य देखभाल, विनिर्माण, दूरसंचार, स्मार्ट शहरों, ऊर्जा, खुदरा, साइबर सुरक्षा, कौशल और विकास, IoT स्टैंडर्ड्स, लीगल एंड रेगुलेटरी पहलुओं और कृषि जैसे क्षेत्रों पर ट्रैक लगाए गए। कांग्रेस 2 दिन की लाइव जोन की मेजबानी करी, जहां लोग IoT को छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं और क्षेत्र विशिष्ट चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और उसके क्वेश्चंस अगर आपको यूजफुल लगे हों तो कमेंट करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं हम इसी तरह और वीडियो बनाते रहें, और अगर आप ये भी चाहते हैं कि हम और किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाएं, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इन वीडियोज़ की PDF शेयर करी है, साथ में कुछ और यूज़फुल गवर्नमेंट एग्जाम्स वेबसाइट्स के लिंक जो आपके काम आ सकते हैं भी शेयर किए गए हैं।